सो हे एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में बनाया था चिल्ला मैंने आज, सभी तरह मतलब सभी के लिए बनाया था, मतलब हम लोगों ने भी अपने लिए बना, मैंने भी अपने लिए बना लिया था अपने लोगों के लिए। सो उसी की छोटी सी क्लिप है। और यहाँ पे बड़े बड़े टमाटर मैंने इसलिए निकाल लगा रखे हैं इसमें कि ताकि जो टमाटर के ऊपर के जो छिलके होते हैं ना, तो वो मिट्टी खाती नहीं है, तो वो खाती नहीं है, तो उसकी वजह से निकालना पड़ जाता है। इसलिए थोड़े बड़े बड़े डाल दिए ताकि आराम से निकल जाएंगे। छोटे कितने भी डालो तब भी निकाल कर फेंक देती है ये, तो इसलिए थोड़े से बड़े कर दिए हैं, मतलब कि आसानी से निकल भी जाएंगे और फिर खा लेगी। टमाटर वगैरह बच्चे वैसे भी नहीं खाते हैं। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 8:30 बज के अभी सो के थोड़ी देर हो गया है मुझे, और मिट्टी भी सोकर उठ गई है यहाँ पर। अभी जा रही हूँ मैं नहलाने धुलाने। क्या कर रहे हो बेटा ये? तो अभी पहले मैं सारे काम अपना हाथ होकर आती हूँ। काजल लगाया है। अरे मिट्टू ने तो आज काजल लगाया है। अच्छा आपने गुड मॉर्निंग बोला, बोलो से गुड मॉर्निंग। एंड कैसे हो आप सभी? आई हो अच्छे होगे। मैं भी अच्छा हूँ। क्या तो मैं तो ये खा रहा हूँ। क्या खा रहे हो? मैं बिस्किट खा रहा हूँ, डार्क फैंटेसी है ना। अच्छा मम्मा को खिलाओ। अच्छा आप खा लो, मम्मा नहीं खाएगी, मम्मा का टम्मी फुल है, मम्मा का टम्मी फुल है। बिस्किट खा रहे हो? कौन सा बिस्किट खा रहे हो? ब्लैक वाला। ब्लैक वाला कौन सा? ब्लैक वाला डार्क फैंटेसी ब्लैक वाला। अच्छा मॉर्निंग किसी की मम्मा को आपने कर ली। अच्छा आप बोलो राधे राधे। राधे क्या छो आप छुपी? तो चलो गाइस, मैं आज थोड़ा खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ, थोड़ा खुद की स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से मैंने कुछ भी फेस में किया नहीं है। तो पता है फेस थोड़ा, मेरा फेस वैसे ऑयली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ड्राई फेस है मेरा, बट गर्मियों में होता है ना बहुत ही ज़्यादा
थोड़ा थोड़ा फेस को भी ठंडा करते रहना चाहिए। मैं नहीं खाऊंगी, आप खा लो, मुझे नहीं खाना, नहीं खाना, मम्मा का टमी फुल हो गया है और चॉकलेट है उसमें बहुत सारी, खा लो आप। तो आज मैं जा रही हूँ खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालने और मैं लगाने जा रही हूँ आज आपका हैंड मत गंदे करो बेटा, रोज़ पाउडर एक मिनट। सो अभी मैं जो लगाने जा रही हूँ वो है रोज़ पेटल पाउडर और ऑरेंज पील पाउडर, इन दोनों को ही मैं लगाऊंगी। बट तो आप चाहे तो मिक्स करके लगा सकते हैं, ना चाहे तो ऐसे भी लगा सकते हैं, बट मैं मिक्स करके लगाऊंगी क्योंकि पता है फेस को भी थोड़ा बहुत स्किन कर भी करते रहना चाहिए। और हम लोगों को जो हाउस वाइफ्स होती हैं और बच्चे भी संभालना होता है, और इतने छोटे बच्चे संभालना होता है उनके पास तो बिल्कुल भी, उनको न्यू न्यू है तो उनके पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए मैं खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ। हाँ बेटा, इसीलिए मैं खुद के लिए टाइम निकाल रही हूँ, मैं जा रही हूँ खुद से करने आज। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, तो गर्मी में थोड़ा बहुत फेस पे भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम लोगों को लगता है बस ठंडा ठंडा पानी मिल जाए और ठंडा ठंडा, तो फेस के लिए भी ठंडा ठंडा चाहिए। इसीलिए मैंने आज इस तरह की चोटी की है, पूरे बालों को पीछे कर रखा है। तो चलो मुझे मंदिरा बेटा, तो चलो मैं इन दोनों पाउडर को मिक्स कर लेती हूँ, फिर लगाती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के सामने, लगाती हूँ मैं। ये है मेरा पाउडर जो मैं निकाली आई हूँ, थोड़ा थोड़ा निकालूंगी, सिर्फ फेस पे लगाना है, बाकी मैं तो और नहीं लगाऊंगी। लगाओ क्या? अरे लगा लो आप, लगाओगे मुँह एक बार फेस देखिए कैसे कह रही है, लगा लो। हाँ गंदा है, आप छोटे हो अभी नहीं लगाओ, बैड गर्ल है ना आप, छोटे बस बेबी हो छोटे से। रोज पेटल पाउडर आने वाली है, करती हूँ मिक्स, दिन में लगाऊंगी इसको कहाँ पर? फेस पर। अरे वाह, फेस पर लगाऊंगी मम्मा, तुम्हारे फेस पर मुझी में भी लगाएगी मम्मा। और मेरी स्किन ना ड्राई है, आपको मैं इसको मलाई या दही के साथ लगा सकती हूँ, और आप चाहे नहीं, आपकी अगर स्किन ऑयली है, गर्मी में बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आपको इससे लगाना है रोज़ पाउडर, उसके रोज़ वाटर के साथ में, या फिर नॉर्मल वाटर के साथ में, या फिर रॉ मिल्क के साथ में। बट मैं नहीं लगाती, मुझे लगा क्योंकि मेरी स्किन में लगाती हूँ तो मुझे बहुत ड्राइनेस फील होती है, इसलिए मैं नहीं लगाती। आप उसे से लगाइएगा, मैं दही के साथ में या फिर लगाती हूँ, या फिर मलाई के साथ में। का पेट अभी तो गीला है काफ़ी, अच्छे से मैंने लगा लिया है इसको, सूख जाए तो उसके बाद मैं इसको धुला दूँ, धुल लूँगी। मतलब क्या कर रहे हो बेटा? आंटी वाश कर रहे हो, ओके तो सूख जाए। हवा क्या बन गई? मजबूत बन गई, बैट।
सो गाइस अभी मैं मतलब सोकर तो काफ़ी टाइम पहले उठ गई थी और लंच वंच किया है, इवनिंग का स्नैक्स जो मैंने खा लिया, थोड़े बैठी में फ्राई कर लग रहा है थे। और ये चल गया, जो थोड़े मैंने दो तीन मिनट एक्स्ट्रा रख लिए ताकि जब भी खाने का मन तुरंत निकाल लो और अभी फेस लग रहा है सॉल्ट आगे खा लो, क्योंकि बार बार बहुत अच्छा मतलब बार बार बैठ कर भी बैठना पड़ेगा, पता नहीं क्यों इस टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब सर बहुत दर्द हो रहा है बहुत ही ज़्यादा। मुझे पता है गर्मियों में मेरी ऐसी हालत हो जाती है कि मतलब बीमार मैं नहीं भी होती हूँ तो बीमार लगने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अब तो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने मतलब ऑनलाइन वो करते हैं ना जो चेकअप के लिए आते हैं, तो उनको वो तो दिया है कल शायद मॉर्निंग में आएंगे भी चेकअप करने के लिए। देखो उन्होंने बोला है जिसमें होती नहीं पता नहीं कितने टाइप की चेकअप होती हैं, तो उन्होंने बोला है अब देखो मॉर्निंग में शायद वो आएंगे चेकअप के लिए देखेंगे आकर। अब यार मुझे यही समझ में नहीं आ रही कि कैसे, अब तो नहीं क्या है, बस मुझे लेट लगता है कि रिपोर्ट में कुछ गलत ना आए, क्योंकि थोड़ा सा बहुत वीकनेस ही फील हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है। गर्मियों में ना खाना पीना छूट जाता है, मुझसे तो नहीं खाया पी जाता, कुछ भी नहीं खाया पी जाता है, कि क्या खाऊं या क्या ना खाऊं कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या खाऊं, कुछ भी। राइस भी एक ऑप्शन होता है और इस टाइम तो पता नहीं, दो तीन दिन से राइस भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं खाने का मन कर रहा है और सर मेरा बहुत दर्द हो रहा है। तो इनसे मैंने बताया तो इनको तो बस एक ही चीज़ दिखती है कि डॉक्टर को दिखाओ तो चेकअप कराओ, मतलब इनको तो बस होता है ना जो डॉक्टर लाइन में होता है तो उसको बस एक ही मेडिसिन उनके लिए एक ऑप्शन होती है और कुछ नहीं होती है। तो अरे वाह मेरा बच्चा मेरे को फिनिश हो गया, तो मेरी मिट्टी मेरे साथ मम्मा मेरा मिट्टी मेरे साथ में सो गया था ना, मम्मा के साथ में सो गया था, निन्नी आ गई थी ऑले मेरे बच्चों को, निन्नी आ गई थी बच्चों को, मेरा कुच्चू है ना, कुच्चू है। अब देखो कल शायद मॉर्निंग में आएंगे चेकअप के लिए, तो देखो अगर आएंगे तो मैं क्लिप जरूर ले लूँगी छोटी सी, और फिर उसके बाद मेरी रिपोर्ट शायद कल शाम को या परसों सुबह तक आएगी, बोला है उन्होंने। देखो हेयर फॉल भी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखो कहते हैं मैं गंजी हो गई मतलब। बाबू मुझे हेयर कट कराना है, मैं गंजी हो गई हूँ। सो मैं मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ बेटा मैं गंजू हो जाऊँगी, सॉरी गंजू नहीं हो जाऊँगी, गंजू कह रही है गंजू नहीं होंगी। तो देखो अब जो भी है, और गर्मी का हाल तो ठीक है, गर्मी अभी दोपहर तक बहुत थी बट इस टाइम से बिल्कुल भी नहीं है, हवा बहुत ही अच्छी वाली चल रही है। क्या गंजू, देखो मैं गंजू हो गई। बच्चों को ये बहुत होता है ना कि एक बार जो चीज़ करते हैं उसको चार बार बार देखते हैं। अभी इनको डैडा को टीथ में पेन हो रहा था तो डेली, अब डेली कहती डैडा ओपन योर माउथ ऐसे बोलती, कैसे ओपन माउथ ऐसे बोलती है बार बार। तो डैडा इनके पे, और आप चॉकलेट मत खाया करो, पता है टीथ गंदे हो जाएंगे आप बहुत चॉकलेट खाते हो, पता है चॉकलेट नहीं खाते हैं, चॉकलेट जो खाते हैं ना उनके भी टीथ ज़्यादा जैसे पेन होने लग जाता है वैसे ही होने लग जाता है, चॉकलेट नहीं खाते हैं प्लीज होना है। सो चलिए अभी मैं एक ब्लॉग जो डाल रही थी वो वाला डाल दूँ, मतलब अभी पोस्ट नहीं किया है, वो पोस्ट कर दूँ जल्दी से आप लोगों के साथ में पहुँच जाए मेरा ब्लॉग, उसके बाद में देखते हैं कि फिर ये भी काम तो देखना पड़ जाता है यार, फिर अकेले मुझे संभालना पड़ता है सब कुछ। सो चलिए आप लोग मिलती हूँ मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, आप लोग देखो सतानी कर रही है मिठी सतानी कर रही है, छत पे आई हूँ मुझे बैठने नहीं दे रही है, ये बहुत सतानी कर रही है। और जेनी बैठी है कहाँ पर, जेनी बैठी है ये देखो जेनी, जेनी कह रही है नीचे चलो मुझे ऊपर नहीं बैठना है, उसको ऊपर गर्मी लग रही है, ऊपर का थोड़ा सा वेदर थोड़ा बहुत अच्छा हो रहा है, ज़्यादा नहीं अच्छा हो रहा है, अरे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है ऊपर भी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि अब नहीं ऊपर बैठने वाला है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और हवा भी नहीं चल रही है, अभी तक तो हवा चल रही थी अब तो हवा भी नहीं चल रही है। पेड़ नहीं है बिल्कुल भी, नहीं चल रही है वो, देखो जैनी जाने के लिए नीचे जाने के लिए तुरंत हम लोग चलते हैं, वाली गर्मी हो रही है, क्या नहीं दिखाऊँ आपको, ठीक है नहीं दिखाऊँ, कह रही मुझे मत दिखाऊँ, ठीक चलो हम नीचे चलते हैं ठीक है।